सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। लैब व्यवस्था अध्याय 26 वचन 11 से। लैब व्यवस्था अध्याय 26 वचन 11 से। मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगी। आमेन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिसमें परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य की संतान, कहता है कि मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और कहता है मैं मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। कहता है देख मैं तुम्हारे बीच में अपने रहने का स्थान बनाऊंगा। सच में परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे भीतर, हमारे साथ वह रहना चाहता है। वह हमारे पास रहना चाहता, हमारे भीतर रहना चाहता। कहां रहना चाहता? हमारे हृदय में। क्योंकि जो हमारा हृदय, ये बाइबल बताती है कि हमारा हृदय परमेश्वर के रहने का स्थान है। हमारा जो हृदय है वह परमेश्वर के रहने का स्थान है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान, अपने रहने का जगह बनाऊंगा। कहता मेरा जी कभी घृणा नहीं करेगा। परमेश्वर कहता है कि मेरा मन, मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। कितने भी बड़े पाप से तुम घिरे रहो, कितना भी बड़ा पापी रहो, फिर भी मैं तुमसे घृणा नहीं करूंगा। मेरा मन तुमसे घृणा नहीं करेगा। सच में हमारा परमेश्वर हमसे घृणा नहीं करता, परंतु हमारे पापों से घृणा करता है, हमारे अशुद्ध कामों से घृणा करता है। वो हमसे, आपसे घृणा नहीं करता। कितना भी बड़ा पापी मनुष्य हो, मनुष्य से घृणा नहीं करता, परंतु उसके काम से घृणा करता है। इसलिए हमारा परमेश्वर कहता है मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। वह परमेश्वर हमें अपने से दूर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए क्योंकि मैंने तेरे तस्वीर को अपने हाथ से बनाया है, हमारा परमेश्वर अपने हाथ से हमें गढ़ा है, बनाया है, इसलिए वह हमें कभी त्याग नहीं सकता। हमसे घृणा नहीं कर सकता। इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा और कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा। हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य में चला फिरा करूंगा, तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा। हमारा परमेश्वर हमारे संग रहकर हमारे साथ साथ चलना चाहता है और सच में वो चलता है। जो उसने वादा किया है उस वादे को पूरा करता है। वो कहता है ना कि मैं तुम्हारे मध्य में होकर चला फिरा करूंगा। सच में हमारा परमेश्वर हमारे बीच में होकर हमारे संग संग चलता है और कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहो। वो परमेश्वर कहता है कि देखो मैं तुमसे एक रिश्ता बना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर बन जाऊंगा और तुम मेरी प्रजा बन जाओगे। हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि वह हमसे रिश्ता जोड़ना चाहता है। वह कहता है कि देख मैं तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा। वह ये नहीं कहता कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। वह सिर्फ हूं नहीं कहता, परंतु वह ये कहता है कि जैसे मैं तेरा परमेश्वर हूं वैसे बना रहूंगा। वह अंत तक की बातें कर रहा है कि वह अंत तक वह हमारा परमेश्वर बना रहेगा। कहता है कि मैं परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे, तुम मेरे लोग बने रहोगे। वह परमेश्वर हमें अपना बनाना चाहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा उस परमेश्वर को जगह दीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे मध्य में तभी आएगा जब हम उसे जगह देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा हृदय है ना, परमेश्वर का मंदिर है। बाइबल बताती है कि हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है और हमारे हृदय में निवास करना चाहता है। इसीलिए जब हम अपने हृदय का द्वार खोलते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे भीतर आता है, हमारे बीच में आता है और वह निवास करता है और निवास करके वह हमारे मध्य में चलना फिरना चालू करता है और वह हमारा परमेश्वर हो जाता है और हम उसकी उसकी प्रजा बन जाते हैं।
इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, यदि आप भी उस परमेश्वर को अपने भीतर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके भीतर बना रहे, तो जरूर है कि अपने हृदय का द्वार खोलो और उस परमेश्वर को अपने हृदय में बसने दो। जरूर है कि वह परमेश्वर आपको अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार करेगा, अपनी संतान के रूप में स्वीकार करेगा और आपको अपने स्वर्गीय भंडार की आशीष से भर देगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं समय की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। तो हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। ओ महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, आदर महिमा तुझे देते। पिता प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना में सम्मिलित है प्रभु हर एक को स्पर्श कर, ताकि उनके जीवन से हर दुख हर तकलीफ हर परेशानियां बिल्कुल बाहर निकले। प्रभु उनके शरीर के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारगरी के बंधन है वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा शैतानी आत्मा मरी हुई आत्मा पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु अपने भारी आशीषों के द्वारा इन्हें ढाप, ताकि तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। मेरे महान परमेश्वर, इनके द्वारा जो पाप जो गुनाह हुआ है पिता उन्हें माफ कर, इनके जितने रुके हुए अधूरे काम वो पूरा होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज पूरे दिन ये जहां भी रहे प्रभु तेरे आशीष से भरे रहे, इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह ना होने पाए, हर पाप हर गुनाह से इन्हें बचा कर रखते रहे। इन्हें आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदान से परिपूर्ण कर, ताकि ये आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। आज की सुबह की प्रार्थना प्रभु इन सबके जीवन में अद्भुत चमत्कार को प्रकट करें। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आज की सुबह इनके लिए प्रार्थना करते कि आज का दिन इनके लिए एक नया चमत्कार बनकर निकलने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज का दिन इनके लिए आशीष का दिन हो, आज का दिन इनके लिए उन्नति का दिन हो, आज का दिन इनके लिए बरकत का दिन हो, आज का दिन इनके लिए हे परमेश्वर एक नए उत्साह का दिन होने पाए। वो महान परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इनमें जो बीमार है प्रभु तेरे स्पर्श के द्वारा बीमारी निकल जाए, उनके शरीर में चाहे जो बीमारियां हो नष्ट होने पाए, उनके शरीर में कोई दर्द हो पीड़ा हो नष्ट हो जाए, आंखों की बीमारी कान की बीमारी नाक की बीमारी मुंह की बीमारी गले की बीमारी नष्ट हो जाए, सीने में बीमारी हो निकल जाए, पेट में बीमारी हो निकल जाए, कमर और रीढ़ की हड्डियों की तकलीफें निकल जाए, घुटने की तकलीफें जोड़ों की तकलीफें प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, हड्डी हड्डी की तकलीफें मांसपेशियों की नसों की तकलीफें दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ। इनके शरीर में ब्लड प्रेशर शुगर दमा एचआईवी टीबी कैंसर नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी हर्निया की बीमारी फाइलेरिया थायराइड की बीमारी निकल जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट हो, जिसका हाथ नहीं उठने लगे पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पतली नष्ट हो जाए, जुखाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिस पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग खास खुजलिया नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान नहीं परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दे, जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, के जीवन में जितने रुके जितने अधूरे काम हो प्रभु यीशु तेरे नाम में वह पूरे होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, के जीवन में एक नई बरकत आए, आज तक जितने इनके जीवन के जितने उन्नति के दरवाजे बंद थे प्रभु यीशु के नाम में खुल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता रहता आज इनके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग आने दे। स्पर्श हो रहा है, देखो बहुतों को स्पर्श हो रहा है अभी प्रभु, बहुतों को छू रहा है। स्पर्श को ग्रहण करो। रीखा बारन दोलो रिबासा कला। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता अनुग्रह और अपनी शांति की आशीष इनके जीवन में आने दे, ताकि आज से इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने पाए। अपने पवित्र आत्मा का हे परमेश्वर स्पर्श इन्हें होने दे। जितने लोग अपने जीवन में हे परमेश्वर जिस आशीष को चाहते वो आशीष इन्हें मिल जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।